आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आज स्टार्ट करेंगे लॉकडाउन धमाका इन फ्रेस का हमारा क्लास है पार्ट नंबर सिक्स पार्ट नंबर फिफ्थ जो कल अपलोड हुआ था उसके अंदर दो वर्ड्स रह गए थे जैसे कि आपको उसमें लिखा हुआ आ रहा था कि नेक्स्ट क्लास में मिलेगा तो उसके अंदर 173 से जो स्टार्ट हुआ था 171 और 172 मिसिंग था तो यहाँ पे 171 और 172 मैंने पढ़ा दिया है और फिर यहाँ से पार्ट नंबर सिक्स की शुरुआत होगी और आज हम 20 ईडीएम्स को और कवर करेंगे 181 से 200 तक इडियम्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे जैसा कि आपको पता है अभी तक हमने जितने भी इडियम्स किए बहुत ही इजी वे में हमने उसको तैयार किया है राइट और आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा उसके अंदर हमने निमानिक्स एसोसिएशन आपके जो भी तरीके लग सकते हैं जिससे आपको याद हो सके मैंने प्रयास किया है आपको याद कराने का और अगर आपको मेरा प्रयास सच में अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है नया चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और व्हाट्सएप स्टडीज ग्रुप्स होंगे फेसबुक स्टडी ग्रुप होंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ये जो छोटी सी फैमिली है ये काफ़ी बड़ा परिवार हम बना सकें और आपको इसमें देना है हमारा साथ अगर आपको लगता है ये ई डी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से याद करा देती हूँ और आगे भी आप इसी तरीके से ईडियम एन फ्रेजिस को याद करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और बाकी की वीडियोज़ को भी शेयर कर रहे होंगे आप ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ तो ये भी आप ही का परिवार है और आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं है ना

पहला वर्ड जैसे कि हम देख पा रहे हैं बोन ऑफ कंटेंशन क्या लिखा है बोन ऑफ कंटेंशन मतलब क्या होता है इसका हिंदी में बोलो तो यही लड़ाई की जड़ है कॉज ऑफ क्वारल है है ना कॉज ऑफ डिसअग्रीमेंट मैटर ऑफ डिस्प्यूट आपने पढ़ा था ना एप्पल ऑफ discord, कॉज ऑफ क्वारल उसी का सिनोनिम है भाई है bone ऑफ कंटेंशन है ना बोन मतलब हड्डी की बात हो रही है कॉन्टेंशन को याद करने की ट्रिक भी दे दी कौन सी टेंशन कौन टेंशन कौन सी टेंशन कौन सी टेंशन है भाई तेरे को कौन सी परेशानी है भाई तेरे को जो तेरे से चीज़ें संभल नहीं रही हैं तो बताता है यार उसके गली में ना हड्डी फंस गई है उसके गले में हड्डी फंस गई है बोन बोल मतलब हड्डी और कौन टेंशन मतलब कौन सी टेंशन है तो बताओगे उसके गले में हड्डी फंस गई है इसलिए मतलब कॉज ऑफ डिसअग्रीमेंट है अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट है यही लड़ाई का जड़ है किसने ढंग से खाने के लाया इसमें ये डाल दिया सपोज फिश खा रहे हो तो उसमें से कांटा चला गया अब उसको तकलीफ हो रही है परेशानी हो रही है है ना बहुत सारी चीजें तो क्या जब लड़ाई की जड़ हो तो उसको क्या बोलोगे कौन सी टेंशन है भाई जो तुम्हारा सुलझ नहीं रहा है आपस में मामला मतलब डिस कर रहे हैं अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट है बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब हो गया अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट बोन ऑफ कंटेंशन अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट बोन ऑफ कंटेंशन अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट बोन ऑफ कंटेंशन जैसे मैं बोलूं प्रॉपर्टी की बात चल रही है प्रॉपर्टी में दो लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए मतलब क्या वो प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या हो गई लड़ाई की जड़ हो गई राइट तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब हो जाएगा कॉज ऑफ डिसअग्रीमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉज ऑफ डिस अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट आगे देखेंगे हम ब्रेड एंड बटर एक सेकेंड वेट कीजिएगा आमिर ऐसी चला गर्मी लग रही है तो वो काट दूंगे ना ठीक है डन अब देखिएगा यहाँ पर ब्रेड एंड बटर ब्रेड मतलब मक्खन बटर है ना बटर मतलब मक्खन ब्रेड मतलब फीस जो आप खाते हैं अब आप कोई व्यक्ति है जिसका आगे पीछे कोई नहीं है तो वो रेडी लगाता है ब्रेड और बटर की ब्रेड और बटर बेचकर अपनी जीविका चलाता है दो वक्त की रोटी कमाता है मतलब लाइवलीहुड जीता है ब्रेड और बटर मतलब लाइवलीहुड जीविका सबकी अपनी अपनी जीविका जिंदगी कोई पढ़ा अपना खर्चा पूरा करता है कोई बिजनेस चला के अपना खर्चा पूरा करता है कोई गई जॉब लगाकर अपना क्लर्क बनकर बनकर बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारे काम हैं तो ऐसे उसका काम है ब्रेड एंड बटर को वो बेचता है ताकि क्या कर सके अपनी जीविका को चला सके लाइवलीहुड कर सके तो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट बोन ऑफ कंटेंशन मतलब मैटर ऑफ डिस्प्यूट बोन ऑफ कंटेंशन मैटर ऑफ डिस्प्यूट बोर्न ऑफ कंटेंशन की जड़ है. Bread and butter को अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा है दो वक्त की रोटी कमा रहा है लाइवलीहुड जीविका अब हम चलेंगे पार्ट नंबर शिक्ष्ट हाँ पांच क्लासेस यहाँ तक हो गई है सिक्स क्लास में अब शुरू होगी आपकी क्लास वन एटी वन से स्टार्ट है इन हैंड हाथ में होना अब जब तक पैसे आने हैं कहीं से और हमारे हाथ में नहीं है तो क्या वो हमारे हैं नहीं है उन पैसों पर हमारा कंट्रोल नहीं है हम अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते क्योंकि वो दूसरे के हाथ में है और जब वो पैसे हमारे हाथ में हो जाएंगे हमारा कंट्रोल जो मर्ज़ी खाएं जो मर्ज़ी पिए जैसे मर्ज़ी कपड़े खरीदें जो मन करे आप उन पैसों से कर सकते क्योंकि वो आपके खुद के पैसे हैं और पैसों पर आपका कंट्रोल है हाथ में है मतलब इन हैंड मतलब कंट्रोल मतलब नियंत्रण क्लियर हो गई बात आगे चलते हैं इजी मनी आसान पैसा जो पैसा आसान देखो भाई पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है किसी भी तरीके की मेहनत हो सकती है मगर जो आसानी से पैसा कमा ले वो मेहनत का पैसा नहीं होता हराम की कमाई होती है मतलब रिश्वत खा के गलत तरीके से पैसा कमाया गया होता है जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपको कभी भी गलत तरीके से पैसा नहीं खाना है जितनी हो सके लोगों की मदद करनी है जो आपसे बन पड़े और हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना है राइट आगे चलते हैं टू पट पैन टू पेपर है ना पेन मतलब पेन होता है पेपर मतलब पेपर होता है पुट का मतलब रखना होता है अब जब कुछ लिखना है तो ये पेपर है और इस पेन है तो पेपर पे पेन रखना पड़ेगा ना फिर लिखना शुरू करना पड़ेगा मतलब बिगिन राइटिंग लिखना प्रारंभ करना पड़ेगा टू पुट पेन टू पेपर पेपर पर पेन को रखना पड़ेगा मान लो ये पेपर है इस पेपर पे क्या रखा पेन ये रहा पेन तो पेपर पे, पे पेन रखना पड़ेगा पेपर पे, पे पेन रखना पड़ेगा फिर लिखना शुरू करना पड़ेगा टू तो बिगिन राइटिंग पुट आर सॉक इन एट पुट मतलब रखना सॉक मतलब मोजा या फिर जुराब इन मतलब मे आप सपोज कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है उसके मुंह में आपने जुराब ठूस दी क्या करने के लिए उसको शांत करने के लिए कोई बहुत ज्यादा पटर 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 कर उसको चुप कराना है आपने उसके जरा मुंह में ठूस दी मतलब उसको क्या कर दिया स्टॉप कर दिया बात करने से रोक दिया शांत कर दिया राइट जिप यर लिप जिप यर लिप आपकी लिप जिप क्या होती है चेन चेन बंद कर देते लॉक हो जाती है चेन खोलते हैं चेन ओपन हो जाती है अब लिप मतलब होठों को जिप कर दी मतलब क्या बंद कर दिया मतलब क्या काम कर दिया है ना मतलब शांत होना किसी को स्टॉप करना क्लियर है एक बार रिवाइज करा दो फटाफट से वेरी गुड बहुत बढ़िया मेकॉट बेसिड अगर आपको सच में मेरी अच्छी लगती है तो गाइज रिक्वेस्ट है मेरी ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रही हूँ आप सबके लिए ही कर रहे हैं हम इतनी मेहनत फ्रेजेस को मैं बहुत अच्छे से याद करा रही हूँ खुद से मैं एफर्ट लगा रही हूँ है ना आप देख पा रहे हैं कितने बेहतरीन तरीके से चीजों को याद कर पा रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दीजिएगा क्योंकि उत, आप कहते हैं मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ आप मुझे पर्सनली मैसेज ना करके जो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके जो मुझे बोलते हैं आप फीडबैक देते हैं मैं चाहती हूँ आपसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं आपको कैसा पढ़ाती हूँ कैसा लगता है आपको वीडियोस और सच में अगर मैं अच्छा पढ़ाती हूँ जैसे कि आप सब मुझे हमेशा कहते हैं तो फिर आपको क्या करना है वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे स्टडी के फेसबुक पे स्टडी ग्रुप्स होंगे उसमें शेयर करना है मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इतना काम जरूर करेंगे आप मेरे लिए अपने इट्स एट टाइम फैमिली के लिए क्लियर है चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से Of Contention, मतलब मैटर ऑफ डिस्प्यूट लड़ाई की जड़ टेंशन है ना कौन सी टेंशन भाई लड़ाई की जड़ है प्रॉपर्टी हो सकती है या कोई भी चीज हो सकती है बोन ऑफ कंटेंशन अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट 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 ब्रेड एंड बटर लाइवलीहुड कोई व्यक्ति अपना गुजर बसर कर रहा है रोटी रोजी रोटी कमाने के लिए क्या ब्रेड और बटर को बेच रहा है इन हैंड पैसे हाथ में आ गए अब आपका कंट्रोल है उससे जो मर्जी आप कर सकते हैं ठीक है, है? मगर अच्छे वे में लगाना है पैसा इजी मनी मतलब आसान तरीके से पैसा कमाया गया पैसा जो होता है वो सही तरीके का पैसा नहीं होता गलत होता है हराम की कमाई होती है तो क्या हो जाएगा रिश्वत मतलब ब्राइब तो पुट पेन टू पेपर पेपर पे पेन रखेंगे तभी तो लिखेंगे लिखना शुरू करना बिगेन राइटिंग तो किसी के मुंह में बहुत पटर पटर कर रहा था मुंह में क्या ठूस दी सॉक ठूस दी जुराब ठूस दी अब वो बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा स्टॉप टॉकिंग काम किसी को शांत करना जिप योर लिप जिप को चैन को क्या कर दिया शांत कर दिया मतलब काम कर दिया मैं उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी क्लियर है मेरी बात समझ आई कोई दिक्कत तो नहीं होगी वंडरफुल बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप इसी तरीके से पढ़िएगा और एक बार लीजिएगा फटाफट से स्क्रीनशॉट फिर आगे बढ़ते हैं चलिएगा आप स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी क्लास को आगे बढ़ाएंगे वन एटी सिक्स वर्ड है बेड प्रेशर अब आप क्या करते हो जब आपकी मम्मी की तबीयत खराब होती है अल्लाह पाक करें कि कि किसी की मम्मी की तबीयत खराब हो है ना तब तंदुरुस्त रहे ठीक रहे है ना और अगर हो जाए इन केस है ना कभी कभी बीमारी शिमारी लगी रहती है और डॉक्टर ने बोला उनको आराम करने को और आप उनको प्रेशर डालते हो बेड रेस्ट करने को कि बेड पर रह आप क्या करिए रेस्ट करिए आप क्या डाल रहे हैं प्रेशर डाल रहे हैं बेड पर रहकर रेस्ट करने को कहते हैं और आपकी मम्मी कहती हैं नहीं मैं पूरा दिन बेड पर आराम करूँगी तो मैं आलसी हो जाऊँगी मुझे थोड़ा बहुत काम करना है बिना काम के मेरा मन नहीं लगता सबकी मम्मी अक्सर ऐसा कहती हैं तो अगर आप प्रेशर डाल रहे हो बेड पर काम करने का बेड पर ही रहकर काम कर लो या बेड पर तो व्यक्ति क्या चलेगा फिरेगा नहीं मतलब आलसी हो जाएगा पूरा दिन रेस्ट करेगा मतलब लेजी आलसी बेड पर प्रेशर डाल रहे हो है ना प्रेशर डाल रहे हो किस पर हो? कि बेड पर आप रेस्ट करो मम्मी को पापा को जो भी बीमार है उस पेशेंट को बोल रहे हो तो पूरा दिन काम करूँगी तो या करूँगा तो आलसी हो जाऊँगा मतलब लेजी अब लिखा है ऑन द राइट ट्रैक राइट मतलब सही ट्रैक मतलब रास्ता अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो मतलब आप सही डायरेक्शन में सही दिशा में हो मतलब इन द राइट डायरेक्शन ऑन द रोंग ट्रैक आप अगर गलत रास्ते पे चल रहे हो तो आपने गलत दिशा में हो मतलब इन द रोंग डायरेक्शन याद हो गया अब प्रेशर डाल रहे हो मम्मी को कि वो बेड पे रेस्ट करे काम मैं कर लूंगी बट मम्मी भी जिस पर पड़ी है। नहीं मैं सारा काम नहीं करूँगी थोड़ा बहुत कर लूंगी बाकी थोड़ा तुम कर लेना है ना और मम्मी क्या कह रही मैं आलसी हो जाऊँगी अगर पूरा दिन बेड पे रेस्ट करूँगी मतलब लेजी ऑन द राइट ट्रैक सही रास्ता है तो डायरेक्शन भी सही है इन द राइट डायरेक्शन गलत रास्ता है तो डायरेक्शन भी गलत है ऑन द रोंग ट्रैक इन द रोंग डायरेक्शन आगे याद करते हैं ईट एनिवल सॉल्ट किसी के भी नमक खा लेना मतलब किसी के यहाँ पर भी दावत में पहुँच जाना किसी के भी मेहमान हो जाना कुछ लोग होते हैं ना जिनको दावत में नहीं भी बुलाते तब भी वो किसी ना किसी के साथ टपक जाते हैं आपके घर पे या किसी और के घर पे आप उनको देखते हो कि बिना बुलाए मेहमान ज़रा आ जाते हैं मतलब किसी के भी घर पर दावत हो उनका आना चंपल से किसी के यहाँ पर भी मेहमान बन के चले जाते हैं मतलब टू बी वंस गेस्ट किसी का भी मेहमान बनना थॉन इन फ्लैश थॉन मतलब कांटा फ्लैश मतलब मास मास मतलब आपका शरीर आपकी स्किन स्किन में कांटा चुभ जाए जैसे कि आपने देखा होगा जब नहलाते हैं तो बेरी के कांटे से जो जड़ होती है उसे पानी भिगो के और पानी में करके नहलाते होंगे तो वो अगर आपका बेरी का कांटा सपोज साइड में पड़ा है और आप उस पर चढ़ जाओ तो वो बेरी का कांटा आपको चुभ जाएगा और जब बेरी का कांटा अंदर से ज्यादा जाता है अंदर, अंदर अंदर पका देता है पैर को है ना तो वो क्या है भाई आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा मतलब कॉज ऑफ ट्रबल कॉज ऑफ ट्रबल बर्न द मिड नाइट ऑयल चिमनी का तेल गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं चिमनी का तेल डालकर और लालटेन हो गई आप मोमबत्ती हो गई या फिर दूसरी वाली जो कैंडल होती है इसमें डलता है उससे जलाते हैं ताकि वो रोशनी कर पाए और पढ़ाई करते हैं अपनी रीड पढ़ते हैं व काम करते हैं लेट इन टू द नाइट रात को जग कर मेहनत करना आधी आधी रात तक पढ़ना मतलब क्या बहुत मेहनत करना कड़ी मेहनत करना तपस्या करना और अगर आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में सक्सेस होना तो इस सीडियम को समझ लीजिए जो लोग बहुत सारी तैयारी कर रहे हों और दस में से आठ बच्चे ऐसे हों जो मैम को फॉलो करते हों और दो बच्चे ऐसे हों जो मैम को भी फॉलो करते हैं एक एक चीज़ सुनते हैं समझते हैं मगर तो प्रैक्टिस नहीं करते तो सफल वो होंगे मैम को सुनते हैं प्रैक्टिस करते हैं रिवीजन करते हैं जैसा मैम कहती है मैम की की बात पत्थर लकीर होती है उनके लिए तो सफल जल्दी हो जाते हैं अपनी जिंदगी में राइट तो बॉन मिड नाइट ऑयल आपको खूब मेहनत करनी है बेटा अधूरे मन से किया गया प्रयास कभी सफल नहीं होता प्रयास हो ही रहा है तो पूरे मन से होना चाहिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो पूरे मन से पूरी शिद्दत से कीजिए कायनात पूरी जो है ना बिल्कुल फैक्ट बात है अगर आप जो आज बोएंगे जो आप आज करेंगे आने वाले छह महीने आठ महीने बाद वही आपको रिजल्ट मिलेगा राइट आप बिग शॉट बिग शॉट मतलब बड़ा शॉट बड़ा शॉट कौन बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी खेलते होंगे बढ़िया सा शॉट देते होंगे है ना मतलब छक्का चौक्का राइट तो क्या हो गया इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया यहाँ तक आपको एडियम फ्रेजिस याद हो गए होंगे हमारा टारगेट है आज का हमें 200 तक करने हैं 192 नाइनटी है सिर्फ और सिर्फ आठ रह गए हैं बट उससे पहले लीजिए स्क्रीनशॉट फिर आगे चलते हैं आइए देखते हैं फटाफट से 193 वर्ड को ऑल ग्रीक एंड लेटिन वर्ड्स सारे शब्द कैसे लिखे ग्रीक भाषा में लेटिन भाषा में कुछ समझ नहीं आएगा मतलब आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समझने में बहुत ही मुश्किल होगी क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे क्या लिखा है है ना काला अक्षर भैंस बराबर उसी तरीके से ये मीनिंग हो जाएगा जो इंग्लिश होती है ना काला अक्षर भैंस बराबर है ना क्योंकि कुछ पढ़े लिखे के लिए जो पढ़ा लिखा है उसको समझ आएगा पर जो अनपढ़ है उसको कुछ समझ नहीं आएगा तो ऐसे हमें ग्रीक भाषा नहीं आती लेटिन भाषा नहीं आती तो क्या हो जाएगा वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होना समझने में अराउंड द क्लॉक चारों और क्लॉक का होना बारह पे भी एक पे भी दो पे भी तीन पे भी मतलब चारों तरफ होना मतलब चौबीस घंटे क्लॉक के आसपास रहना पूरा दिन रहना मतलब इर्द गिर्द ही चौबीस घंटे इतना बिजी स्केड्यूल होना कि हम क्या होल डे ही बिजी रहे अराउंड द क्लॉक मतलब बारह हो एक हो दो हो तीन हो चार हो पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह कोई भी वजह हम हमेशा बिजी ही रहते हैं पूरा समय तो मतलब होल डे टू बी रोलिंग इन मनी रोलिंग मतलब घूमना मीन मतलब मे मनी मतलब रुपया पैसा अब रुपया पैसों में जो खेल रहा है जो घूम रहा है वो कैसा होगा पैसों में है बहुत ज़्यादा पैसों में घूम रहा है पैसों में घूम रहा है मतलब क्या भाई बहुत ही धनी व्यक्ति है वेरी रिच है है ना तो आप भी पढ़ें जल्दी से फिर सक्सेस हो जाए फिर आप भी धनी व्यक्ति हो जाएंगे द अल्फा एंड ओमेगा अल्फा ओमेगा आपको नहीं पता तो मैं बता दूं चार टर्म्स होती है मैथ की अल्फा बीटा गामा ओमेगा अल्फा बीटा गामा ओमेगा अल्फा शुरू का शब्द है जो शुरू की फर्स्ट यूनिट है और ओमेगा आपका अंत का शब्द है तो अल्फा और ओमेगा लिखा है इसलिए इसका मीनिंग हो जाएगा बिगनिंग एंड 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 शुरुआत और अंत होना क्लियर है एक बार फटाफट फड़ से रिवाइज कर लेते हैं बहुत ही आसान है ये। तो it is very easy, इतना आसान हो अब तो याद करना, तो यूं याद हो जाता है इट इज अफ केम फ्रेजे विद अलीशा माम अलीशा माम के साथ इडियम फ्रेजेस याद करना तो बहुत आसान हो गया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को क्रीक और लेटिन शायद मुझे समझ नहीं आ रहे क्या लिखा है ये तो क्या हो गया वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अराउंड द ओ क्लॉक सुबह से ले कर शाम तक फुर्सत ही नहीं है पूरा दिन होल्ड डे डू बी रोलिंग इन मनी रोलिंग इन मनी पैसों में घूम रहा है यार वो आजकल तो मतलब उसके अच्छे दिन आ गए हैं वेरी रिच हो गया है द अल्फा एंड ओमेगा मैथ्स का टर्म है अल्फा बीटा गामा ओमेगा अल्फा शुरू का शब्द है शुरू की टर्म है यूनिट है और ये ओमेगा एंड का है इसलिए शुरू और अंत मतलब बिगनिंग एंड एंड अब देखेंगे हम वन नाइनटी से टू प्लो आ लोनली फॉरो की बात करें तो प्लो का मतलब हल जोतना लोनली मतलब अकेला अकेला आपको हल जोतना पड़े मतलब आप किसी की मदद ना लेना चाहते हो आप अकेले ही करना चाहते हो आपने अकेले ही फसल काट ली हो मतलब डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर बिना किसी मदद के काम को पूरा कर दिया मेक गुड द लॉस जो लोग बिजनेस करते हैं वो फ़ायदा भी उठाते हैं और नुकसान भी उठाते हैं जैसे आपके कोचिंग वाले जब आपका कोरोना पीरियड नहीं था तो बहुत अच्छे से क्या उठा रहे थे भाई फ़ायदा अब क्या नुकसान झेल रहे हैं छः सात महीने से उनके कोई भी कोचिंग में एडमिशन नहीं हुआ और आपका बहुत सारे खर्चे जो होते हैं कोचिंग से वो उनको पे करना पड़ रहा है अपनी तरफ से तो क्या मतलब है यहाँ पर नुकसान को अच्छा बनाना मतलब आगे जाके वो क्या कर लेंगे भरपाई कर लेंगे कंपनसेट कर लेंगे क्षतिपूर्ति कर लेंगे मतलब कंपनसेट द लॉस है ना मेक और ब्रेक तोड़ो या बनाओ बिगाड़ो या बनाओ इस पार करो या उस पार मतलब फेल हो या सक्सीड गेट द सेक सेक मतलब अंगूरी शराब होता है अंगूरी शराब आपकी क्या करती है आप करती कुछ नहीं है आप जस्ट नॉर्मली से पीते हैं और अंगूली शराब पी के कोई व्यक्ति ऑफिस में पहुंच जाए लड़ाई झगड़ा करे अपने बॉस को उल्टा सीधा करे है ना अपने स्टाफ की बेजती करे तो क्या करेगा बॉस एक बार समझा देगा प्यार से दूसरी बार समझा देगा और वो अब लगातार ही दो तीन दिन से कर रहा हो उसने बार बार गलती कर दी हो वार्निंग देने के बाद भी तो क्या करेगा बॉस को गुस्सा आ जाएगा और वो डिसमिस कर देगा कहाँ से जॉब से क्लियर है बात रिवाइज कर लेते हैं प्लो लोनली फॉर मतलब बिना किसी की मदद के मैंने क्या कर ली फसल काट ली मतलब डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स मेक गुड द लॉस नुकसान को अच्छा बनाना मतलब क्षतिपूर्ति कर देना मतलब कंपनसेट करना लॉस को मेक और ब्रेक बनाओ या फिर तोड़ो इस पार करो या उस पार या तो बन जाएगी जिंदगी बिगड़ जाएगी या तो फेल होंगे या सक्सीड होंगे गेट दैक सैक होती अंगूरी शराब अंगूर से बनी हुई शराब और यह पीकर कोई ड्रामा करे तो एक बार समझाएगा बॉस दूसरी बार समझाएगा नहीं समझेगा तो डिसमिस कर देगा जॉब से निकाल देगा उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आज हमने दो सौ एडियम फ्रीजेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है इंग्लिश विद अलीशा मैम टेलीग्राम चैनल है उस पर होमवर्क सीरीज आ रही है कि जो आप इडियम फ्रीज पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ मिलता है ताकि अपनी तैयारी को आप अंतिम रूप दे सके और अगर आपने इंग्लिश विद अलीशा मैम को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करिए इंग्लिश विद अलीशा मैम यूट्यूब चैनल है इट्स एडू टाइम का पार्ट है उसको जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप भी चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना सुरक्षित रहें घर पे मन लगा के पढ़ाई करें और अगर आपको कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपका भी सपोर्ट चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के शेयर कीजिएगा तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना